आपके क्या हाल चाल है? मेरे वीडियो छोड़ दो, मम्मी की वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आधी जुड़ रही, रुक जाओ एकदम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अचार, जो कि यहाँ पे हम नींबू और मिर्च का अचार डालने वाले थे, लेकिन नींबू हमारे लेट आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे मिर्च का अचार डालूंगी। और गौरी शंकर जी जो हैं, उन्होंने नींबू का अचार बोला था, उन्हीं की फरमाइश से मैंने नींबू मंगाए हैं और मैं इसकी वीडियो मिर्च के अचार के बाद दूँगी। तो चलिए हम चलते हैं मिर्च का अचार डालने के लिए। यहाँ पर मैंने मिर्च ली हुई, यहाँ पर ये 500 ग्राम मिर्च है और मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया। एक बार इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ के इस साइड में डालती रहूंगी। हमने इस कपड़े से इन मिर्च को अच्छे से पोंछ लिया है। देखिए, मैं मिर्च के ऊपर से डंठल जो है उसको इस तरीके से तोड़ देती हूँ, या फिर आप चाकू से भी काट सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपको इजी लगे आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने मिर्च की सभी डंठल तोड़ दी हैं और अब मैं इनको बीच से इस तरीके से काटूंगी, और इस तरीके से मैं इसके चार पार्ट कर दूंगी। आप चाहे तो इसके दो पार्ट भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने मिर्च को कट कर लिया है और मिर्च को हम वॉश करने के बाद एक घंटे तक हम इसका पानी अच्छे से निचड़ने देंगे और फिर उसको कपड़े से पोंछ के तब हम इसका अचार डालना है। तुरंत नहीं डालना है, नहीं तो ये मिर्च और पानी छोड़ देंगी, और मिर्च हमें इसमें साफ़ सुथरी ही लेनी, कहीं से कटी पिटी नहीं लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आधा किलो मिर्च ली हुई है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सौंफ ली हुई है और 3 चम्मच यहाँ पर राई ली हुई है, और यहाँ पर 1 चम्मच फुल चम्मच ये वाली हल्दी ली हुई है, और नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे। वैसे नमक हमें थोड़ा सा इसके अंदर चटक ही रखना है, जैसे नॉर्मल होता है उससे हल्का सा तेज रखना है। और यहाँ पे तेल लिया हुआ है इसमें डालने के लिए, सरसों का तेल है और इसको हम गर्म करके नहीं डाल रहे, ऐसे ही कच्चा है ही, उसी को डालेंगे। तो अब मैं चलिए डालती हूँ मिर्च के अंदर सौंफ। और अब मैं डालूंगी राई। और अब डालूंगी हल्दी। और यहाँ नमक डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं चाय डालती रहती तो मुझे इसका अंदाज़ा है। और आप भी थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हैं कि हल्का सा चटक होना चाहिए इसके अंदर। ये हमारे सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा हम विनेगर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच सा ही डालेंगे। वैसे मैं यहाँ गन्ने का सिरका डालती हूँ, सिरका फ़िलहाल नहीं है तो मैं यहाँ पर विनेगर डाल रही हूँ, आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर से जो है कि इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारा अचार लंबे टाइम तक टिका रहता है, ख़राब नहीं होता, जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अचार के लिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए, नहीं तो अचार हमारा अच्छा नहीं, मतलब अच्छा नहीं बनेगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने मिला दिया, अब इसके अंदर डालूंगी मैं तेल।
तेल यहाँ पे डालूंगी मैं एक चम्मच। थोड़ा और एक्स्ट्रा डालूंगी, वैसे इसके अंदर एक ही चम्मच डल जाता है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ। आप भी एक चम्मच अगर आपको सही लगे तो एक चम्मच डाल सकते हो, नहीं तो दो चम्मच भी डाल सकते हो। और इसको अच्छे से इसी तरह से मिलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने भाभी है हमारी, उनकी मम्मी से, उनको मम्मी का अचार डालना आता है, वो हर चीज़ का अचार डाल लेती हैं और काफ़ी टेस्टी अचार डालती है। मैंने उन्हीं से ही ये अचार भूजा था और तब मैंने अचार डाला और मैं तभी से काफ़ी अचार डालने लगी हूँ और अचार मेरे हाथ का अच्छा भी डलता है, सभी को पसंद भी आया है और तब से मैं अचार डालने लग गई हूँ और हर बार डालती हूँ, हर सर्दी में अचार डालती हूँ। और ये देखिए हमारा अचार ये अच्छे से बन गया है और इसको थोड़ी देर हमें ऐसे 2 से 3 मिनट इसको चलाते रहना है ताकि हमारे जो मसाले हैं मिर्च के अंदर अच्छे से भर जाए। और ये देखिए इस डब्बे के अंदर मैं अचार डालूंगी और मैंने अच्छे से वॉश कर लिया तो इसको अब मैं इस कपड़े से साफ कर रही हूँ। हमारा डब्बा भी साफ़ सुथरा होना चाहिए अचार के लिए। अगर आपके पास कांच का डिब्बा हो तो आप कांच का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक का भी सही रहता है। और ये देखिए हमारा डब्बा अच्छे से साफ़ हो चुका है और इधर हमारा अचार भी तैयार है और ये तैयार ही है, आप इसको अब खा सकते हैं रोटी सब्जी के साथ। आप देख सकते हैं ये हमारा अचार अब अच्छे से डल चुका है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और आपको अगर नमक का अंदाज़ा ना हो तो ये जब हम सूखा मिलाते हैं मसाला इसके अंदर तब इस तरीके से थोड़ा मसाला लेके इस तरीके से आप चेक कर सकते हो तो उसमें नमक का पता चल जाएगा। इसमें हल्का सा नमक चटक होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्का सा ही होना चाहिए, उससे जो है कि इसका अचार का जो टेस्ट होता है बाद में खाने में नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये देखिए हमने अचार को डब्बे के अंदर कर लिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और हम तो शाम को रोटी सब्जी के साथ इसको खाएंगे और आप भी हमारी वीडियो देखें और ये अचार ज़रूर ट्राई करें और आप भी रोटी सब्जी के साथ इंजॉय करें। और ये देखिए हम अब अचार का डब्बा लगा देंगे और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपना प्यारे से बनाए रखें। थैंक यू। और देखिए मैंने थारी भी कसर दी। चलो।